नौकरियों की तलाश के पीछे भागना छोड़ दे, फैक्ट्री लगाओ, अपना कारोबार करो और खुशहाल हो जाओ। सर सबसे बड़ी बात यही है कि नौकरी कभी भी आपके मसाइल का हल नहीं। आज से 150 साल पीछे चले जाए तो कोई भी बंदा इस दुनिया में नौकरी नहीं करता था। हर सूरत में हमें नौकरी से निकल के कारोबार की तरफ आना है। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं तो यही एक वाहिद हल है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो बगैर मेहनत के आपको पैसे दे सके। कमाओ गुलामों की तरह और खाओ बादशाहों की तरह। 10,000 से किसी ने काम शुरू करना है, लॉलीपॉप का काम शुरू हो सकता है, जेली का शुरू हो सकता है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें, निम्को की पैकिंग का काम भी, जूस का कारोबार है। ये एक ऐसा कारोबार है जिसकी सबसे पहली बात तो ये है कि नगद सेल है, उधार वाला काम नहीं। उधार वाला बिल्कुल काम नहीं है। एक दिन का 5,000 रुपए आप जरूर माइंड में रखें। जूस को हम घर के बर्तनों में नहीं बना सकते। ये देखें जी, इसमें अंदर चीनी शामिल कर दी गई है 5 लीटर। अच्छा, अब ये चीनी को मिक्स होने देना है हमने। लेनी विवाद आपके सामने ये पल्प इसके अंदर शामिल कर दी गई है। ये ऑन हो चुकी है। अब ये यानी इसके अंदर मुकम्मल यानी सेटिंग की हुई है। लेबल इसके ऊपर ये लग चुका है। अब ये बोतल और लेबल में कोई किसी किस्म का गैप नहीं है। सर ये 4 से 4.5 रुपए में आपका मुकम्मल जूस, बिजली, मजदूरी, हर चीज शामिल करके 4.5 रुपए में ये आपको पड़ता है। 10 डब्बे बेच ले तो 3,000 रुपए आसानी से। ये गिलास जो 10 रुपए में बिका है, ये 10 डब्बे सेल करने से 3,000 रुपए आसानी से बच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान और आप आजाद ब्लॉग देख रहे हैं। बस आज मैं आपको रिजवान फैक्ट्री वाला के पास लेकर आया हूं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में 21,000 लोगों को अपने कारोबार करवा के दिए। और इनका मोटिव ये है कि अगले मजीद 5 सालों में ये इंशाल्लाह 50,000 लोगों को कारोबार करवा देंगे। और मजे की बात यह है कि 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख का कारोबार कर सकते हैं। क्या कारोबार है, किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही मौजूद से बात करें। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। दूसरे नंबर पे सर आपका फिर से शुक्रिया कि आपने हमारे 21,000 लोगों को पाकिस्तान भर में बिजनेस करवा के दिए, और वो बिजनेस के जो बिल्कुल चंद पैसों के होते हैं। सर लोगों को बिजनेस की तरफ क्यों लेके आ रहे हैं, नौकरियां क्यों नहीं करने दे रहे? सर सबसे बड़ी बात यही है कि नौकरी कभी भी आपके मसाइल का हल नहीं है। क्योंकि मसाइल का हल नहीं है तो मसाइल का हल ही बिजनेस में है। तो हर सूरत में हमें लोगों को बिजनेस की तरफ लेके आना है। अगर हम यानी आज से 150 साल पीछे चले जाए तो कोई भी बंदा इस दुनिया में नौकरी नहीं करता था। अच्छा, यहाँ तक के जो गुलाम होते थे उनको भी खरीदा और बेचा जाता था, यानी बंदे बिकते थे। सही जी, मुलाजिम नहीं होते थे, गुलाम थे, यानी वो बंदे बिकते थे। ठीक है, तो वो जितने पैसों में किसी ने खरीदा होता था वो उसी हिसाब से उस पे उसे काम करवाता था, फिर वो आगे बिक जाता था। अगर वो ज्यादा अच्छा काम कर लेता था तो वो आगे उसको बड़े रेट पे सेल कर दिया जाता था। यानी नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो लिहाजा हर सूरत में हमें नौकरी से निकल के कारोबार की तरफ आना है। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं तो यही एक वाहिद हल है। तो आपने यानी जितने भी यानी मुल्क देखे, चाहे आप जापान को देख लें, चाइना को देख लें, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको यही पता चलेगा कि जब हर घर के अंदर कोई ना कोई छोटा कारोबार यानी एस्टेब्लिश नहीं हुआ तब तक उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सबने कार्टेज इंडस्ट्री से ही स्टैंड लिया है। जी ऐसे ये तो मैंने देखा था, लेकिन आपने ये बताया और मजीद जो है ना दिमाग खुल गया। जी अब मुझे ये बताएं, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे भी नहीं रखते अपने पास, के पैसे हैं ही नहीं। दूसरे नंबर पे बिजनेस की मुशक्कत से डरते हैं कि यार बहुत मुश्किल काम होता है और पता नहीं कितने को पैसे लग जाते हैं। इसका थोड़ा सा बताएं कि बिजनेस करना कितना मुश्किल है, नौकरी कितनी आसान है। देखिए पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमने अपने माइंड को मुख्तलिफ यानी कंफर्ट जोन दिए होते हैं और अपना माइंड बनाया होता है कि अगर ये मुझे इस तरह का वहां पे सहूलत मिलती है तो मैं सुकून में हूँ, इस तरह का मुझे अगर ये चीज मिलती है तो मैं सुकून में हूँ। इसी चक्कर में लोग यानी अच्छी पढ़ाई करते हैं कि मैं अच्छी जगह पे नौकरी लग जाऊंगा तो एसी वाला रूम होगा, कुर्सी वगैरह में बैठ जाऊंगा। यानी लोगों ने बेसिकली मेहनत नहीं बल्कि कंफर्ट जोन को सिलेक्ट किया होता है कि मेरा ये कंफर्ट जोन है। हकीकत ये है कि सबसे कंफर्ट जोन आपकी खुशहाली है। ठीक है, ये पठानों का मकूला है, मैंने खुद उनसे सुना है। कमाओ गुलामों की तरह और खाओ बादशाहों की तरह। ठीक है, जब आप गुलामों की तरह मेहनत करके कमा लेंगे तो कंफर्ट जोन आप अंदाजा कर लें कि बादशाहों वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा और कोई यानी इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। लिहाजा ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंफर्ट जोन, यही हमें यानी बताता है कि फला चीज मुश्किल है और फला चीज आसान है। कंफर्ट जोन से अगर आप निकल आते हैं जी तो आप सक्सेस ही रास्ते पे चलना शुरू कर। बिल्कुल इसी तरह, इसी बिल्कुल इस तरह। अच्छा सर, हमने आपके मेन पे भी पढ़ा, आपने भी बताया कि जी 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कारोबार शुरू कर सकते हैं।
अब मुझे ये बताया जाए कि हमारे बेसिकली व्यूअर्स को ये बताया जाए कि जो लोग 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख, डेढ़ लाख रुपए कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं, सर वो लोग क्या आप करवाएंगे? मतलब कारोबार तो करवा के लोग मशीन लगा के दे देंगे, यार ये मशीन है आप लो अपना प्रोडक्शन करो बेचो निकल जाओ, आपका क्या तरीकेकार है जो मैंने बताया यही करने वाले? नहीं सर, होता ये है कि हमारे पास कोई भी आदमी एक दफा हमारे पास आ जाए, हम सबसे पहले उसको समझते हैं कि उसका अभी तक का माइंड सेट क्या है, यानी मैं उससे प्रॉब्लम्स सुनता हूँ कि आपके अभी तक के प्रॉब्लम्स क्या है, वो अपने प्रॉब्लम्स बताता है, उसी में से मैं ढूंढता हूँ कि इसके हल क्या हो सकते हैं। वेरी गुड। वहां से हल ढूंढने के बाद फिर हमारे पास क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसे आइडियाज हैं जो यहाँ पे सेंटर के अंदर प्रैक्टिकली प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं और मशीनें उसकी मौजूद होती हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको ये 100 से ज्यादा चीजें दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं, और विजिट करवाने के बाद फिर उसके बाद यानी जो हमारी टीम होती है वो हर हर चीज के बारे में उसको गाइड कर रही होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल 10,000 से किसी ने काम शुरू करना है तो जितने भी आपके ड्राई फ्रूट हैं उसका काम भी शुरू हो सकता है, कोई भी चीज पैक करके बेचने का काम भी शुरू हो सकता है, लॉलीपॉप का काम शुरू हो सकता है, जेली का शुरू हो सकता है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जिनका काम 10,000 रुपए से शुरू हो सकता है, जिसमें निम्को की पैकिंग का काम भी। 10,000 से आपने यहाँ पे खड़े खड़े कोई 4-5 कारोबार तो बता, उसी तरह से हमारी टीम जो है वो उसको साथ साथ बता रही होती है कि ये 10-12 कारोबार जो है वो 10,000 से शुरू हो जाते हैं, ये इतने कारोबार हैं इसमें 20,000 में है, ये 50,000 में है, ये 1,00,000 में है, ये 2,00,000 में है, यानी वो सारा जब विजिट करके जाता है तो उसको ये एक समझ में आ जाती है कि अगर मेरे पास आज सिर्फ 10,000 रुपए भी है तो मैं ये काम शुरू करूंगा और ये जो आखिरी मशीन पड़ी है 50,00,000 वाली मैं वहां तक का सफर कर सकता हूँ इन्हीं मशीनों पर चलते हुए। सर मुझे ये बताएं आज हम जो बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं जी, इस बिजनेस के कुछ फायदे अगर हमारे व्यूअर्स को बता देना तो मजा ही आ जाए जो मुझे आपने बताया। आज हमने जो डिस्कस किया है यानी करना है जो वो है जूस का कारोबार। ठीक है, ये जो जूस का कारोबार है ये एक ऐसा कारोबार है यानी जिस की सबसे पहली बात तो ये है कि नगद सेल है, उधार वाला काम नहीं, उधार वाला बिल्कुल काम नहीं है। बेवरेजेस के जितने भी बिजनेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नेट पेमेंट पर सेल होते हैं। ठीक है, यानी आप जाएं माल रखें और पैसे ले लें 100% नगद पे, अगर कोई उधार मांगता भी है तो देना नहीं है। सबसे पहला फायदा और सबसे जरूरी फायदा यही है। बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि इसी जूस को हम यानी 20 कैटेगरी में इसको डाल के सेल कर सकते हैं। एक जूस को 20 डिफरेंट कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, यानी अगर लीटर में बनाना चाहे तो आप लीटर में डाल के सेल कर सकते हैं, हाफ लीटर में, फिर 250 ml में, फिर उसके बाद एक और छोटी बोतल मिलती है 125 ml की जो कि 20 रुपए में आपकी बोतल सेल होती है उसमें, फिर डब्बे के अंदर डाल के, उसके बाद मुख्तलिफ शॉपर बने बनाए हैं मैंगो की शेप में, ऑरेंज की शेप में और शेप में, उसमें डाल के आप बेच सकते हैं। इसी तरह से सीको पाइप, उसके लिए एक शॉपर होता है उस लंबा, उसके अंदर जूस डाला और उसको सील किया, वो सेल कर सकते हैं। यानी इस तरह से इस जूस को आप ये जो कप सीलर हमने दिखाया इस कप के अंदर डाल के 10 रुपए का सेल कर सकते हैं। यानी इसकी कैटेगरी इतनी ज्यादा है कि आप किसी सूरत में नाकाम होने का सोचे ही ना। अगर आपकी लीटर में नहीं सेल होती हाफ लीटर में ले जाए, हाफ लीटर में नहीं सेल हो रही उससे छोटी में ले जाए, इस कैटेगरी में नहीं सेल हो रही डब्बे में आ जाए, उसमें अगर आपको तंगी हो रही है आप पाउच में आ जाए, उसमें भी तंगी हो रही है सीको पाइप में आ जाए, उसमें भी नहीं समझ में आती, तो ये 10-10 रुपए का गिलास तो आप जितने मर्जी बेच। चले हम ये कर लेते हैं कि जी हमें ये बताए कि अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं कम से कम 10 रुपए का गिलास में अगर हम करते हैं जी, हमारा डेली का मिनिमम प्रॉफिट सर कितना कमा दे? सर मिनिमम प्रॉफिट आप 5,000 रुपए को हर सूरत में माइंड में रखें। सर मैं एक दिन की बात कर, जी एक दिन की बात मैं कर, एक दिन मेरे ख्याल से कम से कम नहीं ज्यादा ज्यादा बता दिया आप। सर नहीं, कम से कम प्रॉफिट एक दिन का 5,000 रुपए आप जरूर माइंड में रखें, ये एक मजाक है, ये हकीकत है, आपके लिए मजाक है इस कारोबार, इस कारोबार से कमाना जबरदस्त। हाँ, मेहनत शर्त है। मेहनत जब एक बंदा प्रोडक्शन करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा था कि मैं प्रोडक्शन करके भी दिखाऊंगा कि कितना है, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे व्यूअर की ये जूस को बनाने का, क्योंकि हमने देखा कि इतना खूबसूरत डब्बा पैक पड़ा हुआ है, इसके बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग दरकार है, कितना कोई मुश्किल काम है या किस तरह से तैयार हो गए जी? ये आपको पूरा प्रोसीजर अभी आपके सामने पूरी डिटेल आपको यानी प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जूस बनता है, किस तरह से पैक होता है, किस तरह से इसको सील करते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम इसको मार्केट में सेल करने के लिए रेडी कर देते हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि ये जूस यहाँ पर बना के देखते हैं, जो मशीनें पड़ी हैं किस तरह वर्क करती हैं, और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि जूस बनता है कैसे, ये जो पैकिंग मेरे हाथ में है इस पैकिंग तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, और आखिर में पूछेंगे कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन है कितना। ये छोटा सा प्लांट है, 40 लीटर का जूस प्लांट है।
ठीक है, हमने ये ले लिया, ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड के अंदर मुकम्मल बना हुआ है। ये चेक कर लें जी, बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के अंदर और फूड ग्रेड मटेरियल जिसको कहा जाता है उसके अंदर इसकी जो है वो तैयारी लगाई गई है जी। इसके नीचे हमने चूल्हा लगा दिया यानी बर्नर लगा दिया है। ये नीचे चेक करें जी, बर्नर इसके साथ रख दिया। हम अब इस बर्नर को ऑन कर देंगे। ले जी, इस बर्नर को ऑन करते हैं आपके सामने। इसकी बाहर वाली जैकेट के अंदर पानी पहले से मौजूद है, ठीक है, ये डाल दिया हुआ है। अच्छा सर जी, ये डबल जैकेट होना क्यों जरूरी है? डबल जैकेट होना इसलिए जरूरी है कि इसको डायरेक्ट हीट जूस को नहीं दे सकते। अच्छा, कभी भी कोई भी बर्तन, यही वजह है कि इस जूस को हम घर के बर्तनों में नहीं बना सकते। अगर हम घर के बर्तनों में बनाने की कोशिश करेंगे, वक्ती तौर पर लगेगा तो सही हमें जूस बन गया है, वो अगर उसी टाइम पीना हो तो फिर तो ठीक है, अगर उसी टाइम हम नहीं बना यानी पीते तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा जूस खराब होगा ही होगा। जबरदस्त, यानी कि इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये काम नहीं सर, मेन वजह यह है कि जब उसके नीचे हीट दी जाती है तो हीट को हम यानी क्योंकि वो डायरेक्ट बर्तन को लग रही है तो उससे ये होता है कि नीचे उसके पार्टिकल जो लिक्विड के आ रहे हैं यानी जो बर्तन के अंदर है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो वो जल के जिस तरह से एक जली हुई चीज एक राख टाइप बनती है वो उसके अंदर रह जाती है, तो फिर वो जूस के अंदर जब हम जूस को फिल करेंगे बोतल के अंदर तो नीचे ब्लैक ब्लैक जर्रात आ जाएंगे, उस चीज से बचने के लिए इसका डबल जैकेट होना जरूरी है। और उन जर्रात की वजह से फिर जूस की लाइफ कम हो जाएगी, वो जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए हमें डबल जैकेट जूस यानी डबल जैकेट मशीन लाजमी चाहिए जिसमें हमारा जूस तैयार होगा। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा सर, इसके अंदर अब हमने नीचे चूल्हा तो जला दिया है, अब ये बताएं ये कितनी देर जलाए रखेंगे और इसका प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा? प्रोसीजर इसका सर स्टार्ट है कि हमने चूल्हा जलाया है, अब हमने इसके अंदर पानी डालना होता है, तो इसके अंदर पानी यानी हम लेंगे फिर वक्त हम एक फार्मूला पूरा तैयार करने लगे तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के ये पानी हमने इसके अंदर डाला है, अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये जी चीनी आपको दिखाते हैं, चीनी इसके अंदर शामिल करनी है। अच्छा सर ये बताएं सबसे पहले पानी कितना डाला है? अभी फिल वक्त हमने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाला है, तो हमने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया है और उसके बाद अब हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। ये देखें जी, इसमें अंदर चीनी शामिल कर दी गई है 5 लीटर पानी के अंदर। अच्छा सर चीनी कितनी शामिल करेंगे? 10 किलो का बैज हम जूस का तैयार करने लगे हैं, सबसे पहले हमने इसके अंदर अभी फिल वक्त 5 लीटर पानी डाला है, 800 ग्राम हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। ठीक, तो ये चीनी डालने के बाद अब हम इसको यानी इसकी मोटर को ऑन करेंगे और इसको मिक्सिंग का प्रोसेस यानी इसका पूरा करेंगे। ले जी, इसकी मोटर को भी ऑन करते हैं और मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं और देखते हैं। अच्छा सर, मिक्सिंग का प्रोसेस भी ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। अच्छा, अब ये चीनी को मिक्स होने देना है हमने जी। जब ये चीनी इसकी अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर पल्प डालेंगे। पल्प जी इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे, एक दफा इसमें चीनी मिक्स हो लेने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास पल्प है जो सिंथेटिक पल्प होता है, ये वो पल्प है। अब ये पल्प हम इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसका मिक्सिंग का प्रोसेस फिर दोबारा से करेंगे। नहीं जी विवाद, आपके सामने ये पल्प इसके अंदर शामिल कर दी गई है। अच्छा सर जी, यहाँ पे ये चीज बताइएगा मेरे व्यूवर्स को, ये जो पल्प है ये किसी भी जूस की किसी भी फ्लेवर की मिल सकती है जी? ये किसी भी फ्लेवर का यानी अमरूद का जूस बनाना है तो अमरूद का फ्लेवर आप ले लेंगे, अनार का बनाना है या किसी भी चीज का बनाना है उसी का ये सिंथेटिक पल्प मार्केट से मिल जाता है, इसके अंदर डालेंगे यानी बाकी प्रोसेस सेम है, सिर्फ पल्प हम चेंज करेंगे और उसके बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे, हमारे पास वही जूस तैयार। अच्छा, ये पूरे जूस के अंदर ये दो चीजें ही शामिल करनी है? बेसिकली दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। ये जी व्यूअर्स, आपके सामने इसकी मिक्सिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है पल्प के साथ, आप देखें तो बेहतरीन क्वालिटी का जूस जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका हुआ है, ये अगर आपके बिल्कुल सामने। अच्छा सर जी, ये कितना टोटल जूस तैयार किया जा रहा है? ये अभी हम 10 लीटर जूस इसका तैयार कर रहे हैं। 10 लीटर जूस तैयार कर रहे हैं, ये देख ले, हमारा टेम्परेचर अब 90 पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी आपको फिलिंग दिखाएंगे कि ये ऑटो फिलिंग बोतलों के अंदर किस तरह से करती है। ऑटो फिलिंग यानी कि कोई जरूरत नहीं है इसमें बंदे की? कोई बंदे की जरूरत नहीं है, आपने ये नोजल लगानी है इस मशीन के साथ, यानी एक पाइप इधर लगा दिया, दूसरा पाइप ये मशीन के अंदर लगा हुआ है, ऑटो सिस्टम है, जस्ट आपने मशीन को ऑन करना है और ऑन करने के बाद इस बोतल को इसके नीचे रखना है और मशीन को चला देना है। ये जी, ये आपकी नजरों के सामने इस मशीन को हम चलाते हैं और ये ऑटो फिलिंग कैसे होती है ये आपको दिखाते हैं। ये ऑन हो चुकी है, अब ये यानी इसके अंदर मुकम्मल यानी सेटिंग की हुई है। अगर आप लीटर की सेटिंग करना चाहें, हाफ लीटर की करना चाहें, 200 ml की करना चाहें, 250 ml की करना चाहें, जितने की भी सेटिंग करना चाहेंगे आप कर सकेंगे। अभी इस टाइम पे जूस का टेम्परेचर 65 है,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि भाप निकल रही है। अभी इसके ऊपर सिर्फ हमने कैप लगानी है और ये लीटर जूस हमारा तैयार होके ये बोतल के अंदर फिल हो गया है। बेटे एक और बोतल फिल करके दिखाएं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार वाल्व बंद करने खोलने की जरूरत नहीं है, आप ये फिलर मशीन ले लें। अच्छा सर जी ये बताइएगा, जैसे कि हमने आपने ये इसके बारे में बताया था मिक्सर जो है वो भी डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, तो फिलर मशीन भी डिफरेंट कैटेगरीज की है? फिलिंग मशीन सिंगल नोजल, डबल नोजल, ट्रिपल नोजल, यानी जितनी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतने आप यानी बड़ी मशीन लगा लेंगे फिलिंग वाली। ये जो छोटा सेटअप है उसके लिए एक यानी सिंगल नोजल फिलिंग मशीन काफी है, अगर बड़ा सेटअप होगा तो उसके लिए आप डबल नोजल या ट्रिपल नोजल होना ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से ये जो जूस प्लांट जितने भी हैं, ये जूस प्लांट सबसे छोटा 40 लीटर वाला है, इससे बड़ा 60 लीटर वाला होता है, इससे बड़ा 100 लीटर वाला होता है, उससे बड़ा फिर 200 लीटर, यानी जितनी आपकी मार्केट में आप डिमांड बढ़ती चली जाएगी उस हिसाब से आप अपना प्लांट बढ़ा सकते हैं, बड़ा प्लांट खरीद सकते हैं और उसके बाद अपना यानी एक बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही होता है कि जब आप स्टार्ट में भी काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको छोटे पैमाने पे काम शुरू करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट का एनालिसिस भी हो जाए, आपको पता भी हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, थोड़े पैसे लगा के आप अच्छा तजर्बा कर लेंगे और उसके बाद जब आप यानी कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद आप बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगाएंगे, इसके अंदर ये ऑटो लॉक सिस्टम होता है ना, ये बनी बनाई इसके ऊपर। अच्छा ये जैसे ही हम इसको फुल बंद करेंगे, अब ये हमारा यानी जो ढक्कन है वो लॉक हो गया। अब इसके अंदर यानी इसकी एयर जो मुकम्मल टाइट हो चुकी है, अब ये 6 महीने तक आपका जूस खराब नहीं होगा। इसके ऊपर यानी ये जो ढक्कन है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लगा दी गई है, यानी ये एक्सपायरी डेट इसके ऊपर आ गई है ढक्कन के ऊपर। अब आपका ये मुकम्मल जूस, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे लेबल, लेबल लगाने के बाद हमारा ये जूस बेचने के लिए तैयार है। ले जी लेबल लगाने का तरीका कार आपको दिखाते हैं, ये देखें कि इस बोतल पे आप कितनी आसानी के साथ जो है वो लेबल लगा सकते हैं। अच्छा सर लेबल में कोई भी ब्रांड अपना बनाना चाहता है बना सकता है? जी लेबल में जो भी आप ब्रांड बनाना चाहें अपना, यानी आप अपने नाम से काम शुरू करते हैं तो आप अपने नाम के इस तरह के लेबल बनवा के और आप यानी काम शुरू कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अब इस लेबल को हमने करना है श्रिंक, श्रिंक करेंगे। हाँ जी, इसके लिए हीट गन आपको चाहिए होती है, हीट गन की मदद से आप इसको यानी आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास इस टाइम पे आज बदकिस्मती से सेल हो गई वो, तो हीट गन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एक देसी जुगाड़ चलो लगे हाथ आपको दिखा देता हूँ, सस्ता जुगाड़ अगर हीट गन ना भी हो या लाइट, यानी आपके पास अगर वो मशीन नहीं भी मौजूद है तो आप कैसे काम करेंगे? जी कभी लाइट चली जाती है या कभी और किसी किस्म का इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने इस तरह से पानी गर्म करना है और गर्म पानी के अंदर आपने बोतल को डिप करना है, आपका लेबल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ये देखें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से पानी के साथ कितनी जबरदस्त जो है ये श्रिंक हुई है बोतल, यानी श्रिंक हो गई है, लेबल इसके ऊपर ये लग चुका है। अब ये बोतल और लेबल में कोई किसी किस्म का गैप नहीं है, ये खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर लेबल मुकम्मल चिपक चुका है। अब क्या है कि अब ये बोतल हमारी मार्केट में सेल होने के लिए तैयार है। माशाल्लाह हमने चेक किया, ये तो बड़ा ही आसान काम है, बस आपने दो चीजें डालनी है, मोटर चलानी और जूस आपको। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह। अब हमें अगर ये बताएं सर, ये मैं जूस का डब्बा पकड़ लेता हूँ, ये भी पकड़ लेता हूँ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ये भी पकड़ लेता हूँ, ये गिलास भी पकड़ लेता हूँ। अरे कर भाई, फिलहाल अगर मैं चार कैटेगरी की बात करूँ जी सर, ये एक बोतल जी, ये गिलास तैयार, गिलास तैयार हो गया, मुझे कितने रुपए में पड़ती है सर? ये 4 से 4.5 रुपए में आपका मुकम्मल जूस, गिलास, इसके ऊपर का लेबल और इसकी मुकम्मल यानी कास्ट बनाने पे, वो सब कुछ शामिल करके आपको 4.5 रुपए, सब कुछ बिजली मजदूरी हर चीज शामिल करके 4.5 रुपए में ये आपको पड़ता है, और इसकी रिटेल 10 रुपए, 10 रुपए में रिटेल होगी सर। दुकानदार कितने के लिए? जी इसकी जो पैकिंग है वो 15 पीस की है, यानी एक डब्बे के अंदर आप 15 पीस ही रखेंगे, यानी 150 रुपए का ये सेल होगा, आप दुकानदार को 120 रुपए का देंगे, 30 रुपए आपके बच गए जी। और आपको ये कितने में पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा टोटल 65 रुपए में, यानी 65 रुपए में 15 पीस का एक पूरा डब्बा तैयार हुआ, ठीक है। दुकानदार को आप 120 में दे, 120 में ना दे, 100 में दे दें, सिर्फ एक डब्बे पे आप 30 रुपए बचा लें, तो अगर आप यानी 10 डब्बे बेच लें तो 3000 रुपए आसानी से। सर ये बोतल
ये गिलास जो 10 रुपए में बिकता है ये 10 डब्बे सेल करने से 3000 रुपए कमा लेंगे, 3000 रुपए आसानी से बच जाए। इस छोटी सी बोतल पे 3000 इन्होंने बचा के दे दिए, अगर थोड़ा सा मजीद हमें मोटिवेट करें तो इसका प्रॉफिट बताएं। इसी तरह से ये हमारी यानी 250 ml की बोतल है, ठीक है। इसकी जो टोटल यानी कास्ट आती है ये 17 रुपए में हमारी एक बोतल मुकम्मल लेबल के साथ, बोतल के साथ और जूस समेत, लेबर बिजली मजदूरी समेत। आपके हाथ में जो बोतल इस टाइम है सारे प्रोसेस गुजरने के बाद ये बोतल 17 रुपए में आपके हाथ में आएगी, मुकम्मल तैयार हो जाएगी। बिकती कितने में? ये 30 रुपए की सेल होती है। और इसका रिटेल प्राइस क्या है? इसकी रिटेल प्राइस 30 रुपए है। 30 रुपए में रिटेल होती है? 30 रुपए की इसकी रिटेल प्राइस है, दुकानदार को आप 25 रुपए की देते, 7 रुपए एक बोतल में बचे। अगर हम 7 भी ना रखें 5 रुपए रख लें, ठीक है। एक बोतल पे अगर हम 5 रुपए यानी बचत रख लें तो अगर हम एक दिन के अंदर अगर 1000 बोतलें बेचने तक टारगेट पूरा कर लें तो 5000 रुपए कमाए जा सकते हैं। 5000 बोतलें बेचने के लिए आपके टोटल 48 कार्टन आपको चाहिए। एक कार्टन के अंदर ये 24 पीस आते हैं, यानी कि एक कार्टन के अंदर 24 पीस है, आपने 50 कार्टन ले लिए हैं जी सर, यानी 5000 रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। 5000 रुपए इस बोतल पे आप कमा सकते हैं। सर कोई आपके पास ऐसा भी एग्जांपल है कि जिसने ये कारोबार शुरू किया और वो मैक्सिमम कितने पैसे कमाए? सर बहुत सारे हैं यानी जिन्होंने ये जूस का कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अपने अच्छे यानी प्रॉफिट की तरफ है, बल्कि उन्होंने फैक्ट्रियां छोटी फैक्ट्री से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली हुई है। बहुत सारी मिसालें हैं, यानी IWF जूस हमारा वो इस टाइम पे कामयाब जूस चल रहा है। इस तरह के और बहुत सारे हैं, यानी CCI पे और पूरे सिंध का एक ब्रांड बन चुकी है ये जूस में। जूस में ब्रांड बन चुकी है CCI पे, और आप गूगल पे सर्च करें, आप कराची में किसी से पूछे आपको हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे ये ब्रांड नजर आएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें अगर वो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है इन मशीनों को लेने पे और ये जूस तैयार हो गए मेरे हाथ में आने तक? सर इसकी टोटल लागत 1.5 लाख रुपए है, यानी स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं पैसे थोड़े हैं तो 1.5 लाख रुपए में ये मुकम्मल मशीनरी के साथ आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सर अगर मैं सर कहूँ कि आपने जो इन्वेस्ट करना है वो आप 1 महीने में रिकवर कर लेंगे तो गलत नहीं है? कन्फर्म। मेहनत करें, ज्यादा मेहनत ना करें, 8 से 10 घंटे डेली आप काम कर लें लगन के साथ, तो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए ये 1 महीने के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं। जो शख्स 21,000 लोगों को बिजनेस करवा चुका है उनका कहना ये है कि अगर आप 8 से 10 घंटे इस कारोबार में लगाते हैं तो जितना सरमाया आपने लगाया हुआ है वो आपका 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही आप उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप यानी इस मकाम पे होंगे कि लोग आपके मिसाल देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले 20-25,000 लोगों में आपका भी नाम हो और आपकी तरह ये जिनका नाम ले के नाम ब्रांड का नाम ले रहे हैं जी वो सक्सेस हो चुके हैं, कल को आपका भी नाम ले तो आपको भी चाहिए कि आज ही अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दें। सर हम ये जूस की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जो 10,000 रुपए वाले बंदे के लिए भी ये सहूलत है कि वो आके अपनी मर्जी को भी कारोबार कर लेके इस वीडियो से जाएगा सर जूस का? नहीं सर, ये तो एक आइडिया है लोगों को समझ में आ जाए कि इसके अलावा भी बहुत सारे कारोबार है, लेकिन जूस में जो इंटरेस्टेड है वो जूस का ही कर सकता है, इसके अलावा बहुत सारे कारोबार हैं। अच्छा जूस का कारोबार सर कितना टाइम लगेगा क्योंकि सर्दियां भी आती हैं तो जूस की सेल भी कम हो जाएगी, कितना इसका टाइम पीरियड है? इसका सर जो सीजन है वो 10 महीने का पूरा सीजन है। 2 महीने लगे? सिर्फ 2 महीने इसका सीजन डाउन होता है 60%, 40% फिर भी इसकी सेल जारी रहती है। जबरदस्त हो गया। सर आखिर में जो हमारी नौजवान नस्ल है जो नौजवान लड़के हैं वो शॉर्ट कोर्सेज के पीछे भागते हैं, वो डिप्लोमो के पीछे भागते हैं, वो नौकरियां ढूंढते हैं, उनके लिए अगर कोई मोटिवेशन हो जाए कोई 2 लाइनें हो जाए ताकि उनको भी पता चले कि यार किस लेवल पे आना चाहिए, अगर आपको कोई एग्जांपल है किसी ने नौजवान ने ये काम करके आके आया तो वो भी जरा। सबसे पहले तो यही बात है कि आपको हर सूरत में पहले जिस तरह से बात की कंफर्ट जोन से निकलना है, क्योंकि ये जो कोर्सेज की तरफ भागते हैं लोग ये सिर्फ इसलिए भागते हैं कि हमें बाहर ना जाना पड़े, AC के अंदर बैठ के घर में ही बैठे रहे, बीवी बच्चे पास हो, काम कुछ ना करना पड़े और पैसे आ जाए, लेकिन वो जो कोर्सेज करके और इस तरह की सारी यानी ट्रेजेडी से निकल के जब वापस घर आते हैं तो पता लगता है कि हाथ कुछ नहीं आया, फिर सिवाय उनको यानी बुरा भला कहने के गालियां देने के और कुछ नहीं बचता, या फेसबुक पे यूट्यूब पे बैड कमेंट करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। तो ऐसा काम करने की बजाय आपको हर सूरत में अपने मेहनत की तरफ आना है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो बगैर मेहनत के आपको पैसे दे सके, तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। आपकी अगर किस्मत बदल सकती है तो मेहनत से बदल सकती है, तो आज ही ये जो कंफर्ट जोन है इसको छोड़ के
आप मेहनत की तरफ आए, मेहनत करके कामयाब होने की कोशिश करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे, एक हमारे पास लाहौर के अंदर ही मुगलपुरा से एक नाबीना नौजवान थे जिन्होंने मेरी वीडियो सिर्फ सुनी है, सुन के उन्होंने मुझे कॉल की है। मुझे कॉल करके, यानी जब उसने मुझे इस तरह से कॉल की तो मैं खुद बहुत ज्यादा यानी उसे एक्साइटेड हुआ कि यार ऐसा बंदा जो नाबीना है और उसको यानी सिर्फ सुन के ये जज्बा पैदा हो गया कि मैं कारोबार करूं तो मुझे उसके पास खुद जाना चाहिए। मैं उसके पास गया, उसको वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू करवाया, उसकी वाइफ और उन दोनों ने बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद उनको मैंने स्ट्रेटेजी समझाई कि आपने सेल कैसे करना है, उन्होंने सेल करना शुरू किया और अब वो बिल्कुल मांगने की तरफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि देने वाले बन चुके हैं। डेली का वो कमोबेश 5 से 6 हजार रुपए कमा के सोते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी आंखें, जुबान, कान, हाथ, पांव सब सलामत दिए। अगर एक माजूर कारोबार करके खुशहाल हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? जी आपका सर बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने देखा कि कारोबार करने से ही फायदा है, तो एक दफा आपने ये लाजमी करना है कि स्क्रीन पर इनके नंबर, इनके एड्रेस मौजूद है, आप उनसे रब्ता करें। एक दफा अपने लिए पता करें कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ट्राई करें, क्योंकि बिजनेस के अलावा आपको मुश्किल ही है। 5-10 हजार रुपए आज कमाना शुरू करें। बहुत शुक्रिया। ये था आज के व्लॉग, अगर इसको लाइक नहीं करना तो शेयर जरूर कर दे, क्योंकि किसी और का भी फायदा हो जाए अगर वो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।